अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जरीना के किचन में आपका स्वागत है। आज हम गीले बूंबिल कैसे तलते हैं वो देखेंगे। इसको हम मैंने अच्छे से धोकर नमक और थोड़ा सा नींबू लगाकर रखा आधा घंटा। और क्या क्या लगेगा इसमें, थोड़ा सा आधी कटोरी मैंने रवा लिया है, मैदा लिया है आधी कटोरी, इसमें डालने के लिए एक चम्मच मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर, बटर फ्राई मसाला और थोड़ी सी हल्दी और ये नमक और हरी मिर्च पिसी हुई, लहसुन डालकर पिसी हुई। अब इसको हम सब मसाला लगा कर लेंगे। एक चम्मच हरी मिर्च डालेंगे इसमें। नमक हमने पहले से ही थोड़ा डाला था, अब थोड़ा डाल दिया। इसको अब हम अच्छे से सब मसाला लगा कर लेंगे। इसमें पानी नहीं डालना है दोस्तों, इसको बहुत पानी छुपता है। इसको ऐसे ही सूखा ही लगा के लेंगे। इसमें अभी हम थोड़ा ये मैदा और रवा जो लिए हुआ था वो भी डाल रहे हैं। इसमें डालकर ये सब अच्छे से लगा कर लेंगे हम। तो अब इसे हम जो मसाला लगा कर रखे थे अब इसे हम तल कर लेंगे। अब अच्छे से इसे तल कर अच्छे से कड़क करके लेंगे। देखिए दोस्तों, ये काम इसका हो चुका है। इसे हम थोड़ा सा हल्का ऐसा पलट देंगे। कितने अच्छे हमारे गीले बूंदी हो रहे हैं। इसे हमने पलट लिया है, अभी दूसरा होने के लिए रखा है। ये भी अच्छे से होते आया। अभी देखिए दोस्तों, एकदम कुरकुरे और बहुत टेस्टी और बहुत अच्छे से हो गए। ये बहुत आसान तरीका है दोस्तों। अगर आपको मेरी डिश अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए दोस्तों, हमारी ये गीले बूंदी हो चुके हैं। बहुत ही कुरकुरे और अच्छे हो चुके हैं हमारे गीले बूंबिल। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी डिश अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आप शेयर कीजिए और